हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कैलेंडर के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर जो पिछली परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा वार होगा? देखिए दोस्तों, जब आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, देखिए जिस तारीख को बार दिया जाता है उस तारीख को हमें काउंट नहीं करना है। तो 1 अक्टूबर को बार दिया गया है, तो आप मुझे ये बताइए अक्टूबर कितने दिनों का माह होता है? 31 दिनों का। लेकिन 1 तारीख को बार दिया गया है, तो जिस तारीख को बार दिया जाता है उसको काउंट नहीं करते, तो कितने दिन बचे? 30 दिन। ठीक है, अक्टूबर में 30 दिन काउंट हमने कर लिए। प्लस जिस तारीख को बार पूछा जाए उसको काउंट करना है, तो अक्टूबर के बाद नवंबर, तो 1 नवंबर को पूछा गया है। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे और 7 का भाग देंगे, तो 31 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौका 28, 3 शेष बचेगा। 3 शेष बचने का मतलब है कि आपको रविवार से 3 दिन आगे जाना है, तो रविवार में 3 दिन ऐड कीजिए आप। 1 दिन ऐड करेंगे तो सोमवार, 2 दिन ऐड करेंगे तो मंगलवार, और 3 दिन ऐड करेंगे तो बुधवार। तो हमारा आंसर क्या होगा? बुधवार, यानी सी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, मार्च में किस तारीख को बार दिया है? 17 तारीख को। तो 17 तारीख तक के जो दिन है मार्च के, ये हमें नहीं लेने। अब आप मुझे बताइए कि मार्च कितने दिनों का महीना होता है? 31 दिनों का। तो 31 माइनस 17 करेंगे तो 14, मार्च में 14 दिन ले लिए हमने। ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, जुलाई में किस तारीख को पूछा गया है? 12 जुलाई को। अब देखिए दोस्तों, आप डायरेक्ट भी शॉर्ट में लिख सकते हो, जैसे 14 की जगह 0, क्योंकि 14 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 0 शेष बल बचेगा। ठीक है, प्लस 30 की जगह 2, 7 चौका 28, 2 शेष बचेगा, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो 31 की जगह 3, 7 चौका 28, 3 शेष बचेगा 31, यहां पर 2 शेष बचेगा, और यहां पर 12 में हम 7 का भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। ठीक है ना, इनको अब भूल जाइए। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये शॉर्ट है, डायरेक्ट ही आप 7 का भाग देकर जल्दी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐड करेंगे अब इनको, देखिए 2 और 3 5, और 2 7 और 5 12। अब 12 में फिर से 7 का भाग देना है, तो 7 एकम 7 5 शेष बचेगा। अब 5 दिन हम आगे जाएंगे किससे? सोमवार से। तो सोमवार से 5 दिन आगे जाइए, सोमवार के बाद 1 दिन आगे जाएंगे तो मंगलवार, ठीक है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। देखिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो हमारा आंसर क्या आएगा? शनिवार, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पर। शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन है, यदि 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार था तो 1 जुलाई 1970 को कौन सा बार था? अब देखिए दोस्तों, तारीख और माह एक समान है, यानी 1 जुलाई 1977 को बार दिया गया है और हमसे 1 जुलाई 1970 को पूछा गया है, तो तारीख और माह तो समान है लेकिन वर्ष अलग अलग है, तो हम डायरेक्ट ही वर्षों का अंतर करेंगे। तो देखिए, 1977 माइनस 1970, तो 7 वर्ष का अंतर आएगा। कितने वर्ष का? 7 वर्ष का। अब हमें यहां पर यह देखना है इन 7 वर्षों के बीच में लीप वर्ष कितने हैं। तो देखिए, 77 के हम पीछे जाएंगे क्योंकि 70 का पूछा गया है, तो 77 से पीछे जाएंगे तो 76, 76वां लीप वर्ष है। ठीक है ना, फिर और पीछे जाएंगे तो 72, 72वां भी लीप वर्ष है। 2 लीप वर्ष है, 2 लीप वर्ष का मतलब है 2 दिन और ऐड करने पड़ेंगे, तो 7 में 2 दिन ऐड करेंगे तो 9 दिन। अब 9 दिन पीछे जाएंगे, अब 9 दिन मत की नहीं है, अब 9 में 7 का भाग दे दीजिए, 7 एकम 7 2 शेष बचेगा। तो हमें दिए गए बार से 2 दिन पीछे जाना होगा, तो शुक्रवार से 2 दिन पीछे जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा बुधवार, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पर, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 1996 को गुरुवार था तो उसी वर्ष 1 जनवरी को कौन सा वार होगा? यानी 15 अगस्त 1996 को गुरुवार था तो हमें बताना है उसी वर्ष 1 जनवरी को कौन सा वार होगा। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, अब देखिए यहां पर कौन कौन सी चीजें हमें ऐड करनी है। देखिए 1 जनवरी को पूछा गया है और दिया कब है, 15 अगस्त को गुरुवार दिया गया है, ठीक है ना। तो जनवरी को पूछा गया है तो पूरी जनवरी काउंट होगी, तो जनवरी में 31 दिन, प्लस फरवरी कितने दिनों की लेनी है, यहां पर 29 दिनों की लेनी है, क्योंकि 1996 लीप वर्ष है, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की होती है, तो 29 आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, 3 यहां पर 1, ठीक है, यहां पर 31, यहां पर 30 अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई और अगस्त। अब अगस्त में कितने दिन लेने हैं, 14, क्योंकि 15 को तो दिया है बार गुरुवार। अब यहां पर आपको मैं शॉर्ट में भी लिखकर बता देता हूं, देखिए 31 की जगह 3, यहां पर 1, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 2, फिर 3, फिर 7 × 14 = 0, ठीक है ना। इन सबको हम ऐड कर लेंगे, तो देखिए 3 और 1 = 4, 3 × 7 = 2 = 9, 9 और 3 = 12, 12 और 2 = 14, 14 और 3 = 17, 17 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 × 14 = 14, 3 शेष बचेगा। अब 3 शेष बचने का मतलब क्या है कि 3 दिन हम गुरुवार से पीछे जाएंगे, क्योंकि अगस्त का वार दिया गया है और हमसे जनवरी का पूछ रहा है, ठीक है, तो गुरुवार से हम 3 दिन पीछे जाएंगे, 1 दिन पीछे जाएंगे तो बुधवार, ठीक है, 2 दिन पीछे जाएंगे तो मंगल, 3 दिन पीछे जाएंगे तो सोमवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सोमवार, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पर, शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से समझना है। देखिए क्वेश्चन है, यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या था? अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों में हम क्या करते थे, जितना वर्षों का अंतर हो उतने ही दिन आगे या पीछे चले जाते हैं। अब देखिए फरवरी 2012 का दिया गया है, फरवरी 2011 का पूछ रहा है, तो हम 1 दिन पीछे चल जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम 2 दिन पीछे जाएंगे, क्योंकि 2012 लीप वर्ष है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की होती है, ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी लिख देता हूं, यानी 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम यहां पर। देखिए मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाता 28 फरवरी अट्ठाईस फरवरी 2012 को बुधवार था, ठीक है, तो बताइए 28 फरवरी 2011 को कौन सा वार होगा? तो यहां पर हम डायरेक्ट ही 1 दिन पीछे चले जाएंगे, क्योंकि जो लीप वर्ष की फरवरी है ना वो काउंट नहीं हुई, 29 फरवरी काउंट हुई है क्या? नहीं हुई, क्योंकि वो तो बाहर है। अब 28 से 28 वापस जाएंगे 1 वर्ष, तो 1 दिन पीछे चले जाएंगे, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, मंगलवार। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि अंतिम दिन का मतलब 2012 का जो फरवरी का अंतिम दिन है वो है 29 फरवरी, 29 फरवरी 2012 को बुधवार था, ठीक है, तो बताइए 28 फरवरी 2011 को कौन सा वार होगा? 28 फरवरी, क्योंकि 2011 तो साधारण वर्ष है, तो फरवरी का अंतिम दिन 28 फरवरी तो होगा, तो 2011 को कौन सा वार होगा? अब देखिए यहां पर हम 2 दिन पीछे जाएंगे, क्योंकि 29 फरवरी आ रही है, तो बुधवार से 2 दिन पीछे जाएंगे तो मंगल, सोमवार, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है सोमवार, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन है 2 जुलाई 1985 के दिन बुधवार था तो 4 जुलाई 1984 के दिन कौन सा वार होगा? तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस 1 दिन पीछे चल जाना है, बस यहां पर क्या है, तारीख समान नहीं है, लेकिन हमें तारीख समान माननी होगी, फिर हम 4 जुलाई पर पहुंच जाएंगे।
तो यहां पर क्वेश्चन इस प्रकार से है, 2 जुलाई 1985 को बुधवार था, ठीक है, और हमसे पूछ रहा बताइए 4 जुलाई 1984 को कौन सा दिन होगा। तो हम यहां पर 2 जुलाई मान लेंगे, ठीक है, 2 जुलाई मान लेंगे, यानी 2 जुलाई 1985 को बुधवार था, तो 2 जुलाई 1984 को कौन सा वार होगा ये निकालेंगे पहले। तो एक दिन पीछे चले जाएंगे, तो बुधवार से एक दिन पीछे जाएंगे तो मंगलवार, यानी 2 जुलाई 1984 को मंगलवार है, लेकिन हमसे 4 जुलाई को पूछ रहा है, तो 2 को मंगल है तो 3 को बुध, 4 को गुरु, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुरुवार, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, कई सोच रहे होंगे कि सर 1984 तो लीप वर्ष है, लेकिन लीप वर्ष तो है लेकिन जुलाई तक ही तो हमें जाना है, फरवरी तक थोड़ी पहुंचना है, इसलिए यहां पर हम लीप वर्ष को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा वार था। तो देखिए दोस्तों, 1 फरवरी 1996 को बार दिया गया है, यानी फरवरी की कितनी तारीख को बार दिया है, 1 तारीख को, तो 1 तारीख को हम नहीं लेंगे। अब फरवरी में यहां पर कितने दिन बचेंगे, 28 दिन, क्योंकि 1996 लीप वर्ष है, ठीक है ना, तो फरवरी के 28 दिन प्लस फरवरी के बाद मार्च, मार्च में किस तारीख को बार पूछा है, 3 मार्च को, तो 3 तारीख पूरी लेनी, यानी 3 दिन पूरे लेने हैं, ठीक है ना, 28 और 3 31, 31 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 चौका 28, कितने शेष बचेंगे, 3 दिन, ठीक है। अब 3 दिन जो शेष बचे हैं वो 3 दिन हम बुधवार से आगे जाएंगे, ठीक है, तो बुधवार में 1 दिन ऐड करेंगे तो गुरुवार, 2 दिन ऐड करेंगे तो शुक्रवार, 3 दिन ऐड करेंगे तो शनिवार, यानी शनिवार ही हमारा आंसर है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा वार होगा। देखिए, जनवरी कितने दिनों का माह होता है, 31 दिनों का, 30 जनवरी को वार दिया है गुरुवार, तो 30 दिन तो गए, कितने दिन बचे, 1 दिन, प्लस जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी कितने दिनों की होती है, 28 या 29 दिनों की, तो यहां पर कितने दिन लेंगे, 28 दिन, क्योंकि साधारण वर्ष है 2013, तो 28 प्लस मार्च, मार्च में पूछा गया किसको, 2 मार्च को, तो 2, ठीक है, 1 और 28 29 29 और 2 31, 31 में हम 7 का भाग देंगे, 7 चौका 28, 3 शेष बचेगा, 3 शेष का मतलब क्या है, गुरुवार से 3 दिन आगे जाएंगे, तो गुरुवार में 3 दिन ऐड कीजिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, हमारा आंसर क्या होगा, रविवार, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब चलते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आ चुके हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन है, पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को था, वह बुधवार का दिन था, उसका अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 12 जनवरी 1996 को बुधवार था, क्या था, बुधवार, ठीक है, अब बताना है आपको कि 12 जनवरी 1997 को कौन सा बार होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, एक वर्ष आगे जाने का मतलब है 1 दिन आगे जाना, यानी बुधवार से 1 दिन आगे चले जाएंगे, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 1996 लीप वर्ष है, जब लीप वर्ष की 29 फरवरी काउंट हो रही हो बीच में कहीं पर, तो 1 दिन और ऐड करते हैं, तो हम बुधवार से 2 दिन आगे जाएंगे, तो बुधवार से 2 दिन आगे जाने का मतलब है गुरुवार, शुक्रवार, यानी हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन, शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर